आज की तारीख 29 मार्च है। आज के दिन को कुछ लोग इसलिए याद करते हैं कि 1952 में आज ही के दिन भारत और जापान के बीच युद्ध का आगाज हुआ था। 1954 में आज ही के दिन देश में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई थी। टी रामाराव ने आज तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया। आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर छान छान कर देखा, पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया कि 1943 में आज ही के दिन एक वीर देशभक्त जिसका नाम था शहीद लक्ष्मण नायक, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, या ये कि आज ही के दिन 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया गया। नमस्कार, मेरा नाम सचिन यादव है और आप चित्र चर्चा शो देख रहे हैं। हमारी आज़ादी के दीवानों ने अपनी जान की बाजियां लगाई हैं। पहली बार भारत राष्ट्र उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक एकजुट था। 29 मार्च वो तारीख है जब 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह सामने आता है। ये वो दिन जब शहीद मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना बागी स्वरूप रखा। अंग्रेजी सेना में बहुत से भारतीय थे, पर ऐसा क्या हुआ कि सेना में भारतीयों ने विद्रोह किया? इसकी बड़ी वजह थी एक खास किस्म की बंदूक। सिपाहियों को पैटर्न 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी। उससे पहले से प्रयोग में लाई जा रही ब्राउन बेस बंदूक के मुकाबले ये अधिक शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली यानी प्रिक्शन कैप का प्रयोग किया गया, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस में डालना पड़ता था। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती, परंतु भारत की सांस्कृतिक चेतना को खत्म करने के लिए उस कारतूस में प्रयोग किए गए आवरण को गाय की चर्बी से बनाया जाने लगा। ये भारतीय सैनिकों के लिए नागवार था कि वे जिस गाय को माँ मानते हैं उसी की चर्बी से बने कारतूस को अपने मुंह पर रखकर काटें। उसी विरोध को व्यापक स्वरूप दिया भारतीय सैनिक मंगल पांडे ने। तो एक परिचय जरूर बनता है मंगल पांडे का। मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नाम के गाँव में हुआ। अमरेश मिश्रा रूपा द्वारा मंगल पांडे ट्रू स्टोरी ऑफ एन इंडियन रिवोल्यूशनरी के अनुसार मंगल पांडे ने 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सेना में प्रवेश लिया। वह 22 वर्ष का था, एक लंबा लड़का जो कि दुबला पतला था। गांव के किस्से उन्हें 9 फीट लंबे आदमी के रूप में चित्रित करते हैं। कंपनी द्वारा सिपाहियों के रूप में भर्ती किए गए किसान ज़्यादातर असामान्य रूप से लंबे थे। इसी कारण 1857 के युद्धों के दौरान स्कॉट हाईलैंडर्स को विशेष रूप से ब्रिटेन से भारतीय सिपाही की ताकत और ऊंचाई से मेल खाने के लिए लाया गया था। मंगल पांडे ने सैनिकों के साथ मिलकर बगावत कर दी थी कि हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पांडे बगाल नेटिव इन्फेंट्री की रेजिमेंट के सिपाही थे। ये बगाल यूरोपियन इन्फेंट्री की रेजिमेंटों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना के नियमित पैदल सेना में शामिल थे। इसी क्रम में 29 मार्च 1957 को बैरकपुर परेड मैदान में मंगल पांडे ने रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। जब चित्र चर्चा शो मंगल पांडे के बारे में रिसर्च कर रहा था तो बहुत से मानक स्थानों पर यह लिखा हुआ पाया कि मंगल पांडे ने जब विद्रोह किया तो वह नशे में था। उसने एक विशेष प्रकार का नशा कर रखा था। इस प्रकार का इतिहास और जानकारी हमारे देश को आज़ादी दिलाने वालों के प्रयासों पर तमाचा है। चित्र चर्चा शो केवल यह चाहता है कि हमारे देश का युवा हमारे उन सेनानियों को जाने जिन्होंने अपने प्राण देकर आज़ादी हमें सौंप दी। आप सभी पढ़ें और विचार करें, हमारे गौरवमयी इतिहास को प्रचारित करें। संस्कृति रक्षण के प्रयास में आपसे चित्र चर्चा शो पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।